आने वाले समय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य यजमान के रूप में चुन लिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुद्ध और पवित्र होना अति अनिवार्य है। इसके लिए वे 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का भी पालन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में इस समय उठ रहा होगा वो ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 11 दिवसीय अनुष्ठान आखिर है क्या और उसका शास्त्रों में महत्व क्या है। तो आज हम आपको इसी संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अयोध्या में इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी इसके लिए तमाम पूजा प्रक्रिया करेंगे। पीएम मोदी के इस 11 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर अब कयासबाजी भी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत पंचवटी के नासिक से की है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस अनुष्ठान के बाकी बचे 10 और दिन भगवान श्री राम से जुड़े और भी जगह पर जा सकते हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से अटकलें हैं और इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन एक सवाल कि आखिर ये विशेष अनुष्ठान है क्या, तो आज हम आपको अब इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने पूजा के लिए अनुशासन व्यवस्था शुरू कर दी है। पीएम 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए वे 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने पंचवटी से अपने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। पौराणिक मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहां कुछ वक्त गुजारा था। पंचवटी का नाम पंच और वती से है। पंच का अर्थ पांच से होता है, जबकि वती का अर्थ बरगद के पेड़ से है। बता दें कि यहीं पर सीता जी की गुफा भी स्थित है। बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद एवं वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बनाए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। एक राम भक्त के रूप में पीएम मोदी ने तय किया है कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वे प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपश्चर्यों का उतनी ही दृढ़ता से पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में विदित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान में जिन यम नियमों का पालन करना होता है उनमें नियमित रूप से स्नान करना होता है। इसके साथ ही बाहरी भोजन और धूम्रपान का त्याग करना होता है। क्रोध, अहंकार और मद से मुक्त होकर मन को विचलित होने से दूरी बनानी होती है। वहीं अगर किसी तरह के सच बोलने पर कठिनाइयों का सामना करे तो मौन भी धारण किया जा सकता है। यही नहीं, जातक को इस समय के दौरान सद्विचार और सही चिंतन करने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही जातक आचार्य और ब्राह्मणों से झगड़ा और कटु वचन का प्रयोग ना करे। वहीं अगर पुरुष है तो वे सिला हुआ धोती वस्त्र नहीं पहन सकेंगे, वहीं महिलाएं लहंगा और चोली जैसे वस्त्र ही पहन सकती है। इसके अलावा बता दें कि यम नियम के दौरान जातकों को भोजन में हल्दी, सरसों, उड़द, मूली, बैंगन, लहसुन, प्याज, मदिरा, अंडा, मांस, तेल से बने पदार्थ खाना, चावल, राई, भुजिया, गुड़ इत्यादि से वर्जित होना होता है, दूर रहना होता है। खाने की चीजें भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाई जा सकती है। इसके साथ ही दोपहर में सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन किया जा सकता है। खटिया पर सोना और बैठने की पूरी तरह से मनाही होती है। आसन के लिए कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने जिस 11 दिवसीय यम व्रत अनुष्ठान का नियम लिया है उसे यम के अर्थ को जान लेना भी जरूरी है। बता दें कि यम व्रत में यम का मतलब संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह से संबंधित है। व्रत का नियम लेने पर व्यक्ति को पहले इन सभी पांच चीजों का पालन करना पड़ता है। तो ये है वो समस्त कार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 11 दिवसों के अंदर करेंगे। यानी ये वो प्रॉपर अनुष्ठान है जो पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको ये समस्त जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।